जय हिंद। सबसे पहले तो मैं सलाम करना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जो एक बार फिर हमारे संविधान को बचाने, इस देश का के जो मूल आदर्श हैं उन्हें बचाने, इस देश में आपसी भाईचारे को बचाने आज दोबारा सड़कों पर उतरे हैं। थैंक यू। यू नो, अलग अलग किस्म की चाल चली जा रही है हमारे देश में, खासकर जो सत्तारूढ़ दल हैं उनके द्वारा। बहुत कोशिश की गई कि ये जो एंटी CAA और एंटी NRC और अब एंटी NPR, ये नया जानवर आया है बाय द वे हमारे बीच में, NPR। इन्होंने कहा NRC नहीं होगा, पता चला NPR नामक कुछ शुरू हो गया है जो बेस है इस पूरे स्कीम का। बहुत कोशिश की गई ये दिखाने की कि जो ये शांतिपूर्ण विरोध है ये सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं, क्योंकि यू नो मुसलमान तो होते ही ऐसे, उन्हें हर चीज से दिक्कत होती है। आज इतने सारे लोगों को यहां देखकर, जो हर अलग तबके से आए हैं, अलग वर्ग से आए हैं, अलग समुदाय से आए हैं, मैं बार बार ये कहती हूं, खासकर जो स्टूडेंट्स, आप सभी को सलाम। हम सब जो यहां पर हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि ये जो विरोध है CAA NRC NPR का, ये सिर्फ मुसलमानों की दिक्कत नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी की दिक्कत है, हर उस सच्चे हिंदुस्तानी की जिसे अपने संविधान पर विश्वास है। हम जो हमारे संविधान का आदर करते हैं, हम जो गांधी जी का हिंदुस्तान चाहते हैं, हम सबको CAA और NRC से दिक्कत है। तो आप सबका सलाम, हमारी एकता का सलाम। सबसे पहले एकता का नारा हो जाए तो आवाज दो, आवाज दो।